नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं। अब यह डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे। तो पहली लाइन में भी सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में भी सभी फंदे सीधे बना लेंगे। पहला फंदा और आखिरी फंदा इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। अब बुने हुए 3 फंदों में से पहले फंदे को हम उठाएंगे और इसमें इसको दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे नीचे गिरा देंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। उसके बाद बुने हुए 3 फंदों में से पहला फंदा ऐसे उठाएंगे और दोनों फंदों के ऊपर से इसे हम नीचे की तरफ गिरा देंगे, उन अपनी ओर करेंगे, यानी ये जाली पड़ रहा है। 3 फंदे को सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, और पहले 3 फंदों में से पहले फंदे को, जाली के बाद वाले फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो इन्हीं 3 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। पहले फंदे को उठाना है, अगर आपको सामने से उठाने में परेशानी हो रही हो तो पीछे से इसे उठा सकते हैं। तो फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पांचवी लाइन में हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। डिजाइन के पांचवी लाइन में वापस सारे फंदे सीधे और छठी लाइन में पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा, ये एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। सातवीं लाइन में 3 फंदा सीधा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ये 1 हुआ, 2 और 3। अब उनको अपनी ओर करेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, और पहले फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, ये जो जिस पर हमने जाली बनाया था, ये डिज़ाइन का दूसरा फंदा है,
अब देखिए यहाँ पे तीन फंदों में ये फंदा देखिए दूसरा फंदा है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को, जाली वाला फंदा दूसरा फंदा है, एक दो तीन, तो इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को, जाली के बाद वाले पहले फंदे को, बुने हुए तीन फंदों में से पहले फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को के नीचे इसे ऐसे गिरा देंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा, पहले फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब फिर हम इसके ऊपर अपना चार लाइन का पैटर्न बनाएंगे। पहला लाइन सीधा, दूसरा लाइन उल्टा, तीसरे लाइन में डिजाइन बनेगा और चौथा लाइन उल्टा। चार लाइनों को दोहराना है और ध्यान ये रखना है कि ये जो जाली वाला फंदा है वो डिजाइन का दूसरा फंदा होना चाहिए, यानी अगले डिजाइन में पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर जाली देते हुए तीन फंदों को सीधा बुनेंगे। उसके बाद जाली देते हुए तीन फंदों को सीधे का पैटर्न बनता चला जाएगा, तो डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आशा है आपको पसंद आया होगा। सामने से देखिए ये इस तरह दिखाई दे रहा है और पीछे से इस तरह, तो डिजाइन आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।